अकाउंट्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम लोग अकाउंट्स जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस अवर टॉपिक। अवर टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट की खासियत क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग क्या है वो नहीं पता चलेगा तब तक उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ज्यादा पता नहीं चलेगा। सो मैं सबसे पहले वापस एक बार रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिकल मेथड इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑल द ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में उसको कन्वर्ट कर रिकॉर्ड करेंगे, फॉर द विच यूजर कैन टेक करेक्ट डिसीजन। अकाउंटिंग को यूज करने वाला जो है वो एक करेक्ट डिसीजन ले पाए। सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पॉइंट नंबर फर्स्ट, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फाइनेंशियल मींस पैसे से जुड़ा हुआ, मनी भाई, ओके। सो यहां पे फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में जितने भी ट्रांजेक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, आइदर परचेस होगा, सेल होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इन अ टर्म ऑफ मनी। इसीलिए यहां पे कहा गया है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, पैसे से जुड़ा हुआ है, और जो चीज पैसे से जुड़ी हुई नहीं है अकाउंटिंग में उसको हम कहेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या तो नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, जो हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बताएंगे तो मनी इज द मीडियम ऑफ द ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, परचेस करना, सेल करना, या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पे, ओके, तो वो सारे ट्रांजेक्शन के बीच में एक मनी एज अ मीडियम मीडियम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी सप्लायर जब भी किसी ट्रेडर्स को गुड्स सेल करेगा तो जितना गुड्स सेल किया उसके बदले उसको पैसा मिलेगा इन अ टर्म ऑफ मनी, ओके। उसी तरह कुछ भी चीज हम लोग मार्केट में परचेस करने के लिए जाएंगे तो कोई भी चीज परचेस की, ओके, या परचेस करना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये कितने रुपीस की है, या तो अगर वो चीज परचेस की तो उसके बदले हम कितनी अमाउंट देंगे, कितना पैसा देंगे, ओके, यानी जो भी अमाउंट देंगे हम लोग, ओके, यानी जो भी प्राइस देंगे, जो भी वैल्यू पे करेंगे, किसमें पे करेंगे, इन अ मीडियम ऑफ मनी, पैसे में उसको रिकॉर्ड, पैसे में वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ओके। सो मनी एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका मीडियम क्या है, मनी, ओके। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे हमारे बिजनेस में वो सबका हम करेंगे क्लासिफाई एंड एनालिसिस। क्लासिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इनकम हमारी बहुत हो, मतलब बहुत बार हम लोगों ने सेल किया पूरे दिन में हमने परचेस भी किया होगा, पूरे दिन में हमने एक्सपेंस भी किया होगा, पूरे दिन में हमारी इनकम भी हुई होगी, तो ऑल दोज इनकम एंड ऑल दोज एक्सपेंस आर सेपरेटेड, ओके, यानी इनकम को सेपरेट करेंगे, एक्सपेंस को सेपरेट करेंगे, ताकि पूरे दिन में हमारी इनकम कितनी हुई और पूरे दिन में हमारे एक्सपेंस कितने हुए उसको हम सेपरेट करके हम एक डिसीजन ले सके। सो क्लासिफिकेशन, ओके, डेबिट क्रेडिट। एनालिसिस मींस क्या, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ आइदर परचेस और सेल, तो परचेस हुआ या सेल हुआ वो हर ट्रांजेक्शन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ उसको हम जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक 15 रुपए की पेन हमने परचेस की, ओके, जिसको हमने किसी कस्टमर को 20 रुपए में बेची, तो हमने परचेस की 15 रुपए में और कस्टमर को बेची 20 रुपए में, सो डिफरेंस इज 5 रुपीज। सो 5 रुपीज डिफरेंस आया, वो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट, बिकॉज हमारा एक्सपेंस 15 रुपए लेकिन हमारा सेल 20 रुपए, तो 5 रुपए हमें इस ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ। देन उसको जस्टिफाई करना मींस एनालिसिस, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इट इज कॉल्ड एनालिसिस। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ओके। इंटरप्रिटेशन मींस क्या, जैसे हम लोग हमारे अकाउंटिंग में, ओके, सिर्फ अकाउंट नहीं बनाएंगे लेकिन
हमारा जो बिजनेस है उसमें करेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। करेक्ट डिसीजन मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए या उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस का ग्रोथ कैसे करना है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, बिजनेस के क्रेडिटर हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और फ्यूचर के जो स्टेक होल्डर है वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे कि नहीं ले रहे, उसको बिजनेस को और डेवलपमेंट करने के लिए, बिजनेस का और ग्रोथ करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वैसे वैसे स्टेप लेना इंटरप्रिटेशन, ताकि उसको अकाउंटिंग को यूज करने वाला जो पर्सन है वो एक करेक्ट डिसीजन ले पाए। यानी इंटरप्रिटेशन करना पूरे साल में बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आने वाले सालों में बिजनेस का ग्रोथ कितना होने वाला है, या बिजनेस का अगर ग्रोथ करना है तो हमें क्या क्या नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा ईयर। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब पूरे अकाउंटिंग में हमें क्वांटिटेटिव जो ट्रांजेक्शन काउंटेबल है, जिसको हम काउंटिंग कर सके, वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। काउंटिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल परचेस अ गुड्स ऑफ 15,000, सो अमाउंट इज 15,000, सेल द गुड्स ऑफ 20,000, सो अमाउंट इज 20,000। यानी जो ट्रांजेक्शन काउंटिंग कर सके वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कितना स्टॉक है तो बोले 50,000 का, तो 50,000 इज अ क्वांटिटी क्वांटिटेटिव। थereafter सेल गुड्स ऑफ 20,000, सो 20,000 इज अ क्वांटिटी। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो काउंटिंग कर सके, इसके लिए उसको वर्ड यूज किया हुआ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर नेक्स्ट इज अ इकोनॉमिकल डिसीजन। ओके, हर बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करेगा उसके पीछे उसका एक ही मकसद होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो ये जो ऑनर पूरा साल इस मेरी तरह ऐसा पसीना बहाता है, जिसके पीछे उसका मकसद क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, तब वो पूरे साल जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसमें उसकी इनकम कितनी हुई और उसमें उसकी एक्सपेंस कितनी हुई, उसको रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको पता चलेगा कि इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है। When the income is more than expense, it is called profit. And when expense is more than income, it is loss. अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस का और ग्रोथ कैसे करना है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस क्यों हुआ, लॉस रोकने के लिए क्या करना है, किस तरह से बिजनेस को और बेनिफिशियल करना है, उस तरह से इकोनॉमिकल जो डिसीजन है वो हम ले पाएंगे अकाउंटिंग की हेल्प से। एंड द लास्ट वन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हम हमारे बिजनेस में ये है ईयर 2020, तो हमारे बिजनेस में लास्ट ईयर 2019, उसका लास्ट ईयर 2018, 2017, 2016, 2015, ऐसी मतलब पास्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है ईयर 2020, अगर मैंने मेरे बिजनेस में कोई मशीनरी परचेस की 5 लाख रुपीज की, तब 2016 में, तो क्या मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा मेरे अकाउंट में? ऑब्वियसली मैं करूंगा, क्योंकि वो जो मशीन 2016 में मैंने 5 लाख रुपीज में परचेस की थी वो मेरे पास अभी भी है, जिसका यूज मैं अभी भी कर रहा हूँ, जिसका बेनिफिट मेरे बिजनेस को आज भी हो रहा है। तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितना भी मतलब एसेट होगा, यानी फर्नीचर होगा, लैंड होगी, फैक्ट्री होगी, बिल्डिंग होगी, जो आज भी हमारे पास है, तो वो सारी जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट कितने, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट 5 ईयर का सेल कितना हुआ, लास्ट 5 ईयर में हमने कितना ग्रोथ किया, वो पूरा डिस्प्लेस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, सो इट इज अ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। वापस एक बार रिपीट करूंगा, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल डिसीजन एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग है, ये जो कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, ऑल द डाउट्स आर एक्सेप्टेबल, मैं आपका जीत टेलर जितना हो सके उतना आपका डाउट सॉल्व करूंगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़िए। ओके, सो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।